हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्टाइलिश 10 प्रकार के ब्लाउज डिज़ाइन। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज है। इसकी स्टिचिंग हमें कुछ इस तरीके से करनी होती है, क्योंकि हम इसमें प्रिंसेस कट तो कर नहीं सकते हैं, तो हमें इसमें वन टक बनाना होता है। ये पीछे की साइड है और ये आप देख सकते हैं इसमें पीछे की साइड हमने हुक बनाया है, यानी कि हमने बैक साइड वाला बनाया है। ये देखिए सिर्फ वन टक ही डाला है और कोई टक नहीं डालते इसमें। और जिस तरीके से गले का शेप आता है उसी शेप में हमें इसमें सिलाई करनी होती है। और स्लीव्स पर लेस लगाई है और ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश लुक है इस ब्लाउज का। आगे की तरफ हमने इसमें प्रिंसेस कट कराया और हाफ कॉलर भी लगाई है। और स्लीव्स पर आप देख सकते हैं हमने डिजाइन बनाई है कुछ इस तरीके से। इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप कटिंग और सिलाई के वीडियोज देखना चाहते हो तो। ये बहुत ही स्टाइलिश और क्रिएटिव लगता है पहनने में। और देख सकते हैं पीछे की तरफ हमने बैक में डीप नेक बनाई है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और पीछे की तरफ में हमें ऊपर की ओर नीचे की तरफ दोनों तरफ हमने इसमें हुक लगाए हैं ताकि इसे पहनने में आसानी हो। हमने साइड में चेन नहीं लगाई है। ये हाफ कॉलर बैक डीप नेक डिजाइन है, बहुत ही स्टाइलिश लगता है ये पहनने में। और लहंगे के साथ ये ब्लाउज ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं अभी हमने सारी ब्लाउज बनाया है। आगे की तरफ हमने इसमें प्रिंसेस कट करा है और डीप नेक है। आगे की तरफ भी इसमें राउंड नेक है लेकिन डीप बनाई है, तो इससे लुक और अच्छा हो जाता है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल से हमने लटकन लगाई है। और ऊपर की तरफ बॉट नेक है और नीचे की तरफ मटका नेक है। इसमें भी बैक हुक है। साड़ी के साथ ये ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और इसमें भी आप देख सकते हैं हमने स्लीव्स पर समोसा डिज़ाइन बनाई है, इससे कि आप सिंपल से ब्लाउज को बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हो। और ये ब्लाउज आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साइड में हमने इसमें जिप लगाई है, आगे की तरफ हमने इसमें प्रिंसेस कट करा है और ये स्टाइलिश सी लेस लगाई है नीचे की तरफ और स्लीव्स के ऊपर। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं क्रिएटिव नेक डिज़ाइन है, बॉट नेक है और साथ ही हल्का सा शेप दिया हुआ। और यहाँ पर हमने एक बटन लगाया है इससे कि ये पहनने में आसानी हो। यहाँ पर हमने कोई लटकन नहीं लगाई है, इससे लुक बहुत ही अच्छा हो गया इसका। इसमें नेक भी छोटा है लेकिन स्टाइलिश है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें हमने की होल नेक बनाया है और बॉट नेक के साथ में ये देखिए हमने पांच होल बनाए हैं यहाँ पर। और ये भी हमने वन टक बनाया, इसमें प्रिंसेस कट नहीं किया है। और स्लीव्स पर ये समोसा डिज़ाइन बनाई है। और पीछे की तरफ हमने इसमें ये देखिए बैक हुक का है, सारे ब्लाउज हमने बैक हुक के बनाए हैं अधिकतर। और यहाँ पर बांधने के लिए डोरी है, ऊपर की तरफ बॉट नेक है और नीचे की तरफ यहाँ पर राउंड शेप दिया हमने नेक को, इससे बैक नेक भी हो जाएगा, डीप नेक भी बन जाएगा और ऊपर की तरफ से बॉट नेक भी हो जाएगा। और हमने सुंदर सी लटकन लगा दी है इसके साथ में। ये ब्लाउज देखिए इसमें भी हमने प्रिंसेस कट किया है, आगे की तरफ इसमें फ्रंट डीप नेक है और बैक साइड में आप देख सकते हैं डीप गला बनाया है हमने। इसको हल्का सा तिरछा कट करके ऊपर की तरफ से छोटा सा नेक है और यहाँ पर बांधने की डोरियाँ हैं। इससे क्या है कि सिंपल से साड़ी के ब्लाउज को आप बहुत ही स्टाइलिश लुक देख सकते हो और आप भी बहुत ही स्टाइलिश लग सकते हो। ये देखिए ब्लाउज, ये भी हमने वन टक बनाया है और की होल वाला बनाया है और बॉट नेक के साथ में। इसमें इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको कौन सी नेक डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बैक साइड में हमने इसमें मटका नेक बनाया है और सुंदर सी लटकन लगाई है। मटका नेक बनाने से क्या है कि डीप नेक भी रह जाता है और ऊपर बॉट नेक बनाते हैं तो हमें गला बड़ा भी नहीं लगता है, छोटा सा ही लगता है। और ये हमारा सिंपल ब्लाउज है, फोर टक ब्लाउज है। आगे की तरफ इसमें कुछ नहीं बनाया हमने, पीछे की तरफ हल्की सी नेक डिज़ाइन बनाई है। इससे क्या है कि जो लोग स्टाइलिश गले यानी कि डीप नेक पसंद नहीं करते हैं वो राउंड शेप में भी इस तरीके से डिज़ाइन बना के स्टाइलिश ब्लाउज पहन सकते हैं। जिन्हें डिज़ाइनर ब्लाउज पसंद नहीं होते वो आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। और ये हमारा सिंपल ब्लाउज है फोर टक, इसमें हमने आगे की तरफ से छोटा सा नेक बनाया और तुरपाई वाली पट्टी लगाई है और पीछे की तरफ से लंबाई में गले को बढ़ा दिया है, चौड़ाई में नहीं बढ़ाया है। और ये हमारा लास्ट ब्लाउज है, इसमें हमने प्रिंसेस कट किया और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं बॉक्स नेक डिज़ाइन बनाई है, ऊपर की तरफ बॉट नेक है और नीचे की तरफ हमने इसमें एक बॉक्स बना दिया। ये भी बैक हुक है, ऊपर की तरफ डोरी लगाई है और नीचे की तरफ हमने इसमें हुक लगाए हैं। थैंक यू।